वो आज भी हैं, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन मैं यहाँ पर पहुँचा था, और उसके पहले हम लोगों ने आपस में बात करके तुरंत जो रामपाल हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, बड़े अच्छे मूर्तिकार हैं, उनको हम लोगों ने भेजा और वो काम कर रहे थे। तो जिस प्रकार से ताला तोड़कर और पत्थर लेकर उनके नाक पर प्रहार किया गया, तो इससे लगता है वो पागल नहीं है। पागल आदमी ताला तोड़ेगा? और उसे और चीज़ नहीं मिला, और हर चीज़ मंदिर ही में ही क्यों होता है? तो भैया ये PFI वाले जो पकड़ा रहे हैं ना, उसी का प्रतिक्रिया में ये सब नाजायज काम कर रहे हैं। हम लोग सहिष्णु हैं लेकिन कायर नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन वो तरीका उसका एक अलग ढंग होता है। इनको समझना चाहिए कि ये जो सपना संजोए है ना कि हम गजवाए हिंद बना देंगे, तो इनका सपना सपना ही रह जाएगा, और हमारे देवी देवताओं के ऊपर किसी भी प्रकार का ये मलेच्छ लोग कोई भी काम करेंगे, इस तरह का बर्ताव करेंगे, तो हम लोग उसका जवाब बड़े ही अच्छे ढंग से देंगे। पिछले बार आपने बोला था घटना हो जाती है, सूचना नहीं मिलती है। अरे भैया देखिए, सूचना तंत्र कमजोर नहीं है, कमजोरी ये है तुष्टिकरण। वोट चाहिए ना उनका, तो सरकार को वोट चाहिए। अरे वोट के लिए तो जमीन बेच ही देंगे, ये झारखंड भी बेचने वाले हैं, लेकिन झारखंड बेचने नहीं देंगे, बस इतना ही मैं कहना। देखिए हनुमान जी पे एक कहते हैं समाज का विरोधी, देश का विरोधी, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले व्यक्ति ने पत्थर फेंका था। उस समय मैं मुंबई में था, और आज जब मैं यहाँ आया तो यहाँ दर्शन करने आए, सब कुछ शांति है, सब कुछ अच्छा है। अब पंडित जी से बात हुई, यहाँ लोगों से बात हुई है, सारा रिपेयर हो गया है, जल्दी से उनका शुद्धिकरण गंगा जल से कराकर और महाआरती करके और फिर दर्शनार्थियों के लिए पूजा के लिए वो खोल दिया जाएगा। इसी सब पे विचार करने आया, फिर आज विशाल क्लब का उद्घाटन था और पंडाल का, और माँ की हम सब ने स्तुति की, माँ की आरती की, और आज आप सब के माध्यम से रांची की जनता को, झारखंड की जनता को इस पवित्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।